हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपके एडमिशन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन है ही कि आपके जो पीजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसका जो लास्ट एग्ज़ाम था 21 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया गया था। इसके बाद आपके ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आगे उनको क्या करना है। एडमिशन के रिगार्डिंग ही दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा। आप चाहे SOL के स्टूडेंट हों या फिर रेगुलर के स्टूडेंट हों या फिर NCVAP के स्टूडेंट हों, आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट क्यों ना हो, आप चाहते हैं कि आप SOL में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं रेगुलर में या फिर NCVAP में, तो हर किसी के लिए यहाँ पे अपडेट मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो NTA का शेड्यूल रहता है कि आपकी आंसर की कब आएगी, आपने जो एग्ज़ाम दिया एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका रिजल्ट कब आएगा, तो उसी के बारे में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपने 21 एग्ज़ाम को 19 तारीख को या 17 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और 21 तारीख तक आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम चले थे। तो जो NTA का शेड्यूल है दोस्तों, जब ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम फिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो इनके 10 से या 15 दिन के बाद या आप ऐसा कह सकते हैं कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपके जो आंसर की हैं, जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, इनके जो आंसर कीज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे कई सारे स्टूडेंट होंगे जिनके मन में क्वेश्चन होगा कि इनके जो आंसर कीज़ हैं वो कहाँ पर रिलीज़ किए जाएंगे। तो जहाँ से दोस्तों अपने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया था, NTA की ऑफिशियल साइट पे ही आपके जो रिज़ल्ट है उसको, जो आंसर कीज़ है उसको रिलीज़ किया जाएगा। अब बात करेंगे कि आपके रिज़ल्ट को कब रिलीज़ किया जाएगा। तो जब दोस्तों आपके आंसर कीज़ को रिलीज़ कर दिया जाता है तो उसके 10 से 12 दिन के बाद आपका जो रिज़ल्ट है, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि टोटल आपका जो एग्ज़ामिनेशन का जो मार्क्स था, एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो मार्क्स था, ये टोटल 400 मार्क्स का था। इसके अलावा जैसे आपका रिज़ल्ट आएगा तो उसमें आपके जो रिज़ल्ट रहेंगे वो बता दिए जाएंगे कि आपके 400 में से इतने मार्क्स आए टोटल। आपके रिज़ल्ट को रिलीज़ कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो NTA की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, रेगुलर कॉलेज में, SOL में या फिर NCVAP में। NCVAP का के बारे में जो क्राइटेरिया, वो तो दोस्तों आप जानते होंगे कि केवल इसके अंदर गर्ल्स कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जब आपके आंसर कीज या जो आपका रिज़ल्ट है इसको रिलीज़ कर दिया जाता है तो आप उसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक हफ्ते बाद या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो एडमिशन स्टार्ट होता है उससे एटलीस्ट 1 या 10 दिन पहले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा एक एकेडमिक कैलेंडर को रिलीज़ किया जाता है, जिसमें दोस्तों यही लिखा रहता है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आपके जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट निकलेगी उसमें इस डेट से लेकर इस डेट तक बच्चे एडमिशन लेंगे और इसी डेट तक आपको पेमेंट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि 10 नवम्बर को आपका एकेडमिक कैलेंडर निकला तो यहाँ पर यही बताया जाएगा कि 11 से 12 या 12 से 13 तक आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे और 13 से 14 लेके जो लास्ट डेट रहेगी पेमेंट करने की आपके फर्स्ट लिस्ट वालों की, वो 14 नवंबर रहेगी। ये केवल एक एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, तो इसको आप हकीकत मत समझ लीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर में एडमिशन लेंगे और NCVAP में लेंगे, इनका जो एडमिशन का प्रोसीजर है दोस्तों थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन जो बच्चे SOL में एडमिशन लेंगे इनका जो प्रोसीजर ये थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पे डिफरेंट क्यों है दोस्तों, ये आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा। जब यहाँ पे दोस्तों एडमिशन की जो लिस्ट आएगी तो ये आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनके सभी अलग अलग वाइज आएगी। जैसे एडमिशन के या जो अकेडमिक शेड्यूल है वो रेगुलर कॉलेज के रेगुलर वाले साइट पर आएगी, NCVAP वालों के NCVAP वाले साइट पर आएगी और SOL के SOL वाली साइट पर आएगी। जब दोस्तों आपके फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट निकल जाएगी तो वहाँ पर आप अपने नेम को चेक कर सकते हैं कि अगर आपको सीट अलॉटमेंट होती है आपके फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में तो आपको जो कॉलेज अलॉट होता है उस कॉलेज में आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं तब आप अपने पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों एडमिशन के वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास ऑलरेडी रख लेने हैं, तो यहाँ पर दोस्तों बेसिक से डॉक्यूमेंट यही लगेंगे, आपके 10वीं के मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन के आपके ऑल मार्कशीट, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक के सभी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होनी चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके
अलावा दोस्तों कुछ नहीं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो एसओएल के एडमिशन होंगे पीजी के, इसके लिए दोस्तों आपको केवल एसओएल की ऑफिशियल साइट को ही चेक करते रहना है। जो भी आपको अपडेट मिलेगी वो केवल एसओएल की ऑफिशियल साइट पर दी जाएगी। ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपके एडमिशन के रिगार्डिंग। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।